This conference will now be recorded. अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम আমি চালিয়ে বন্ধে বন্ধে গান চলছে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি লোকন লাগা এখন এখন এত লাগা আদেশ মে চলতে যো উনসে হি সমাজ হো
एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाजे हो आर्य स्थान पितृ स्थान उच्च सभी से पुरियमान आर्य स्थान पितृ स्थान उच्च सभी से पुरियमान गीता में मात्री भक्ति वही लड़का हो उतना का भराया मानुष अपना जितना भी हो मानुष भरना जितनी अटूट मात्री भक्ति वही लड़का हो उतना जितनी अटूट मात्री भक्ति वही लड़का हो उतना का भराया मानुष अपना जितना भी हो मानुष भरना शिक्षक को नहीं इष्ट में कान कौन जगाए छात्र प्राण शिक्षक को नहीं इष्ट में कान कौन जगाए छात्र प्राण पिता में श्रद्धा माने कान वही लड़का हो सामने कान पिता में श्रद्धा माने कान আছে না অনেক আর বাবা ভালো ছিল গান নেই আর আছে তো চলে যেতে जीवन घर में जानो एक ही होता खोज कर समय बिताया अनुष्ठान को खुद चलाए अनुष्ठान ही सार हो गया खाना वृथा हो जाए खोज कर समय बिताया अनुष्ठान को खुद चलाए अनुष्ठान ही सार हो गया खाना वृथा हो जाए मैं एक दिन गई थी बस
जतनंदा जय गुरु। दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। मंदिर थोड़ा लेट जाएंगे 15 और पंखा बाद आप भजन शुरू कर दीजिए तो ये करते हैं। आज का हम लोग का ये ज्योतिषानंद दा एक तो माइक का ऑफ कर नेन। ज्योतिषानंद दा एक तो ऑफ कर नेन माइक टा एक तो म्यूट कर नेन। आज का सत्संग हमारे श्रद्धेय आरबी प्रोफेसर आरबी चौधरी दा उनके वास गृह से हो रहा है। ये आप लोग स्क्रीन में उनकी घर की आसन देख सकते हैं। इससे पता लगता है कि हम प्रभु से क्या प्यार करते हैं। और आज प्रभु का 133वां जन्म दिवस है। ये 30 भादो है। हम लोग जानते हैं आज ही के दिन सुबह 7:05 में माता मनमोहिनी और पिता शिवचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आज के बांग्लादेश उस समय का अखंड भारत के पावना के हिमायतपुर गाँव में उनका जन्म हुआ था। एक अद्भुत बालक जिन्होंने अपने मातृगर्भ में पूरा 12 महीना पूर्ण करने के उपरांत इस धरती पर आए थे। आज हम लोग उनकी दया की बात सुनेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। मैं तापस राउत दा को आज बोलूंगा, शायद महंतो दा थोड़ा लेट ज्वाइन करें, विशेष कारण बस 15 मिनट शायद ना रह पाए, शायद मैं शायद की बात कर रहा हूँ। जब तक वो नहीं रहेंगे श्रद्धेय तापस दा इसको आगे पौरोहित तो करेंगे आज का, साथ में आपके श्रोतो आरबी चौधरी दा भी रहेंगे। जब भजन कीर्तन के अंतिम चरण में वो आएंगे उनको आप माइक दे सकते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। और शंख अगर किसी के पास है, शंख रेडी है, कांचन माँ आप, कांचन चौधरी माँ ये शंख लेके बैठिए, शंख लेके बैठिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ शंख लेके बैठिएगा, जब आपको आवाज देगा ज्योतिषानंदोदा बोलेंगे तब संघ बजाइएगा। जब ज्योतिषानंदोदा बोलेंगे तब संघ बजाइएगा। ज्योतिषानंदोदा शंख टाइम होले आपने बोलबेन, 2 मिनट आछे यार, ठीक है। अच्छा ठीक है दादा। और बाकी लोग जो हाँ वाणी पाठ करेंगे वो सब रेडी रहेंगे। कौन सा वाणी नंबर पूछेंगे पूछिए नहीं, सत्यावसन में कौन सा वाणी बोलेंगे वो कहाँ से, वो पेज नंबर हमें पता होना चाहिए ना। बांग्ला या शुरू से कीजिएगा तो नहीं, बांग्ला कौन पाठ कर रहे हैं, देखिए बांग्ला, बांग्ला में किसका नाम है, सोमा मंडल सोमा मा आपने बोलून कौन जगह टा अपना पड़ा हबे, सोमा मंडल मा। दादा मुझे लगता है
आप जो सामने से देखिए सत्यानुसरण का जो स्टार स्टार से शुरू होता है, तो पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, पांच यदि साधना में, छह ये बिल्कुल सत्य है जिस पर सब कुछ आधारित है, हो चुका है। यदि मंगल चाहते हो ये भी हो गया, यदि परीक्षक बनकर ये भी खत्म हो चुका है। 23 पन्ना खत्म हो गया है, 24 पन्ना खत्म हो गया। देखिए मैं दूसरे जगह में ज्वाइन कर रहा हूँ, वो बंगला पढ़ेंगे, सोमा माँ से पूछ लीजिएगा। तो आठ बज गया, संग बजाइए, शुरू करिए, संग बजाइए, संग बजाइए। बार बार कर दीनो तेरा घस्वामी आवे, दया करो दाता मेरे चित चरण लावे, जन्म जन्म रही भूला में नहीं पाया फेदा, हाल कर्म के काल में रही को गत फेदा, जगत जीय भव मत तेरे नित चारो खानी, कहनी जोगी प्रियर दे सब मन की खानी, भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी राम का मैं भेद जनाई, ऊंचा से ऊंचा देश है ओ अगर की पानी, बिना संत पाए नहीं सुख सदगुरुसानी, राधा स्वामी नाम की नहीं महिमा सुनाई, कैसे किया घर जाई, दर्शन रसन को लहु गए मन पाई, सुरत चरे आकाश में करे संत विलासा, धाम धाम मेरो खत चले करे निज घर वासा, हे आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, बिना सुनो कृपा करो निज चरण पासा, तुम बिना कैसा मुरत नहीं जैसे मागू दाना, प्रेम भार बरु खाकर बोलो अमृत खाना, दीन दयालु दया करो मेरे समुरत स्वामी, करु करु गावत रहु नित राधा स्वामी, तुम बिना कैसा मुरत नहीं जैसे मागू दाना, प्रेम भार बरु खाकर बोलो अमृत खाना, दीन दयालु दया करो मेरे समुरत स्वामी, करु करु गावत रहु नित राधा स्वामी, करु करु गावत रहु नित राधा स्वामी, बार बार कर जोर पर सभी जय करु उतार, साधु संग मन के नित करु गुरु दाता, कृपा सिंधु समरत पुरुषो आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पिते मैं तुम सदाय भार, बार बार गल जाए तन मन मारु चरण पार, कहु तुले मैं गाऊ निहार पुरी जस कृपा करे, धन्य धन्य गुरुदेव गाया सिंधु पुरन ध्वनि, नीत करो तुम से हो अचल भक्ति मैं दे प्रभु, दीनाया नाथ हाथ गया तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल की पानी जी, काम क्रोध मधुर हो सब विधि अब दुहार नहीं, प्रभु राखो मेरी याद अब मुई पर, रघ स्वामी गुरु समुरात
तू बिना सारा अब कर हो जाया करो तुफान तुम्हारी दिव्य रंग के दया करो मेरे साया देओ के मुकिदा सुख सुख खुदा दे नहीं उते सब उठा दया करो मेरे साया देओ के मुकिदा सुख सुख खुदा दे नहीं उते सब उठा बार बार कर जोर का सविनय करू का साधु संगम देवी कर्म गुरु का साधु संगम देवी कर्म पिता दाता
वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी सत्यांशों का पाठ होगा। बंगला में बोलेंगे श्रीमती सोमामा, हिंदी में बोलेंगे श्रीमती कंचन माँ, कंचन चौधरी माँ, उड़िया में बोलेंगे श्रीमती चिन्मयी माँ, इंग्लिश में बोलेंगे श्रीमती प्रीति माँ। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ थेके पाठ। हृदय दाओ कखनो हटे जेते हबे ना, निर्भय करो कखनो भय पाबे ना। जय गुरु। माँ पेज नंबर बोलिए। हिंदी में पेज नंबर हिंदी में 39 उसी आसपास में होगा। हृदय दो किंतु माने पर सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। हृदय दो कभी भी पश्चात्पद होना नहीं पड़ेगा। जय गुरु। निर्भर करो कभी भी भय नहीं पाओगे। परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुग्रह चंद्र जी का सिंहस्थ लिखित सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद। हृदय दे केबे हेले हटि जायकु हेबो नाही, निर्भर कर केबे हेले भय पाइबो नाही। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण का अंग्रेजी अनुवाद। गिव योर हार्ट, यू नीड नेवर रिट्रीट, रिलाय एंड यू शैल नेवर बी फ्राइटेंड। जय गुरु। नारी नृत्य का पाठ। बंगला अभी पाठ करेंगे श्रीमती प्रत्युषा चक्रवर्ती माँ, हिंदी पढ़ेंगे श्रीमती रंजना माँ। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर नारी नीति ग्रंथ थेके पाठ। काम प्रवृत्तिते स्वामी स्त्री, शुधु काम प्रवृत्ति कखनो काहाकेओ प्रकृत स्वामी बा स्त्री करिते पारे ना, पारे नाई। बाणी संख्या 67। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी द्वारा रचित नारी नीति से पाठ। काम प्रवृत्ति में स्वामी स्त्री। सिर्फ काम प्रवृत्ति कभी किसी को प्रकृत स्वामी या स्त्री बना नहीं सकती, कभी संभव भी नहीं हुआ है। वाणी संख्या 67। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम लोग आज ठाकुर जी 133वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य ये जो सत्संग है, सत्संग में पहले सुरेंद्र भवनपुरी का टीम है, उनको अनुरोध करेंगे कि वो एक भजन प्रस्तुत। जी दादा। जय गुरु। शुरू करिए। जय गुरु। एक सोहर आज ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इस पर एक सोहर है। भाद्र मास काल नवमी तिथि आवन सावन। भाद्र मास काल नवमी तिथि आवन अति मन भावन। हो जल नानी हल नानी फूल अवतार, मंगल सब गावन। भाद्र मास काल नवमी तिथि आवन अति मन भावन। हो जल नानी हल नानी मंगल सब गावन।
चंद्र चक्र बरती अन धन लुटावे हो सीता शिव चंद्र चक्र बरती अन लुटावे हो ललना हरावदार मंगल सब राव पिता शिव चंद्र चक्र वरतीत अन धन लुटावेल हो ललना ऋषि मंगल सब गाव ललना खुशिया मनावत वेद पढ़त विप्र गावत हरि गुण गावत हो वेद पढ़त विप्र गावत हरि गुण गावत हो ललना के मुनि सर सुन को आवत ललनार से मुनि सुनियर सुन को आवत मंगल सब ठाकुर जी मंगल अभी तुम्हारी तबीयत कैसा है? तुम्हारा कितना महीना भर हो गया ना? मंगल सब ललना पियलानो फूल मंगल सब नहीं नहीं इवनिंग वॉक नहीं हो रहा ये बाहर में बैठे हैं पूरा पूरा का पूरा हुआ कुछ खाओ से बैठे हैं अरे यहाँ भी बहुत हो रहा है आदमी लोग ठीक भी हो जा रहा है तुम्हारा वो डॉक्टर ठीक हो गया ना डॉक्टर हेमराम और अभी चावसा में क्या कंडीशन तुम्हारा जितना भी कलीग लोग का कोर्ट में उन लोग ठीक हो गया आगे हमराम सर निकले उसका ग्रुप
वही सब हुआ। और गांधी टोला में किसी का नहीं निकला? नहीं, गांधी टोला में हुआ है, उधर नदी तरफ हुआ है। दादा जय गुरु। जय गुरु। चंद्रिका कौन भाई? कुमारी का। तुम ये जहाँ पर रहते हो वहाँ और किसी का नहीं हुआ था? चंद्रिका भाई कोई है? कैसा है अभी महातो? महातो ठीक है। किस तो बोल रहे हैं? अरे इसमें ORS पीने से भी फायदा हो रहा है का? तो चंद्रिका भाई कोई है? म्यूट करिए आपको। वो तो है लेकिन ORS में विटामिन सी को सब कुछ है ना, बोलता है वो भी बहुत मतलब बॉडी को। चंद्रिका माँ कौन करिए? इसमें टॉकिंग क्यों हो रहा है तपसदार? टॉकिंग क्यों हो रहा है? कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? आपको म्यूट करिए। खाना है ना? सुने दे रहा है? मैं थोड़ा मैं तुम्हारा देखा, तुम्हारा पूजा उजा देखा, बहुत बढ़िया पूजा उजा तुम। दसवीं को अनुरोध है थोड़ा सा माइक बंद कर लीजिए प्लीज। चंद्रिका कृपा करके सब माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। 81307 बात कर रहे हैं। और चंद्रिका, चंद्रिका उनका नाम है? चंद्रिका है? चंद्रिका चलो पापिया दत्ता। जय गुरु। जय गुरु। अब भवानी परिता शुरू कर लीजिए। हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, चाय पिलाया अभी? श्री ठाकुर जी के भले जन्म वा शिव चंद्र के ठाकुर जी के भले जन्म वा शिव चंद्र के अगन पाना, शिव चंद्र के अगन वा मन मोहिन के ललन वा, शिव चंद्र के शिव चंद्र के ललन बाना, शिव चंद्र के ललन बाना। कौका वाला के लिए बोलना चाह रहे थे? सब देवन मिली खुशियाँ मनावे, सब देवन मिली खुशियाँ मनावे, सब सखियाँ मिली चावर डोलावे, सब सखियाँ मिली चावर डोलावे, देवन सुनावे सगुन बाहो भद्रताल नौमी के दिनवा, देवन सुनावे सगुन बाहो भद्रताल नौमी के दिनवा, ठाकुर जी के भले शिव चंद्र के ललनवाना, श्री ठाकुर जी के भले शिव चंद्र के ललनवाना। खुलने से बच्चा लोग नहीं आने से काम धंधा क्या चालू होगा? बजरंगों को फोन कर सर नारी सब आरती उतारे, सुंदर ललना के मुखड़ा
हरे सुंदर ललना के मुखड़ा निहारे मंगल गीत गावे सावरिया शिव चंद्र के अंगन वाना मंगल गीत गावे सावरिया शिव चंद्र के अंगन वाना शिव ठाकुर जी के भले जन्म वा शिव चंद्र के अंगन वाना सुंदर बदन और अखियां गजरारी सुंदर बदन और अखियां गजरारी देख के भले मगन नर नारी देख के भय गए मगन नारी नारी किलकारी करे आंगन वामन मोहिनी के ललन बाना किलकारी करे आंगन वामन मोहिनी के ललन बाना श्री ठाकुर जी के भले जन्म वा शिव चंद्र के अंगन बाना शिव ठाकुर जी के भले जन्म वा शिव चंद्र के अंगन बाना श्री ठाकुर जी के भले जन्म वा शिव चंद्र के अंगन बाना देवन सुनावे सगुन वा हो भद्रकाल नौमी के दिन वा मंगल गीत गावे सब सखिया शिव चंद्र के अंगन बाना किलकारी करे आंगन वामन मोहन के ललन बाना श्री ठाकुर जी के भले जन्म वा शिव चंद्र के अंगन बाना श्री ठाकुर जी के भले जन्म वा शिव चंद्र के अंगन बाना शिव चंद्र के भवन बाना शिव चंद्र के अंगन बाना जय गुरु दादा जय गुरु भवानी प्रदा। बहुत बहुत सुंदर बहुत बहुत आज का ये जो सत्संग का जो ठाकुर जी का जो जन्म दिवस है इस जन्म दिवस में आपने बहुत सुंदर भाव से आपने आपका टीम के साथ आज ठाकुर जी के चरण में आपने निवेदन किया। बहुत आनंद आया इसके ऊपर। मुझे लगता है सभी को भी ये आनंद आया होगा ठाकुर जी के श्री चरण में। आप सभी का मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। जय गुरु दादा बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु दादा। सभी जितने भी जुड़े हुए हैं इस सबको मेरा जय गुरु और हार्दिक अभिनंदन ठाकुर जी का जन्म तिथि के ये में सबको हार्दिक अभिनंदन जय गुरु। अच्छा मैं अभी कामंत्र करना चाहूंगा श्रीमती मुखर्जी माँ मेरी आवाज आप तक तो पहुंच रहे हैं। हाँ दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आप शायद कीर्तन करना चाहेंगे आज। हाँ दादा शुरू कर लीजिए। बहुत सुंदर आवाज जा रहा है दादा हमारा। बढ़िया आ रहा है बढ़िया आवाज मैं आप हाँ ठीक है। शुरू करने से पहले मैं सभी को एक निवेदन करना चाहूंगा प्रार्थना करना चाहूंगा। कृपा करके आप सब कृपा करके सब माइक म्यूट कर दीजिए बंद कर दीजिए बीच में। हाँ माइक का हाँ बहुत डिस्टर्ब आ रहा था सब बात करने का डिस्टर्ब आ रहा था बहुत। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके उसको बंद कर दीजिए नहीं तो सत्संग का जो आनंद है जो मजा है वो ले नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें ठाकुर जी के साथ जो भाव से हम लोग आज ये सत्संग का जो आयोजन किए उसमें डिस्टरबेंस हो मंतुदा मैं आ गया हूँ। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। जी दादा थैंक यू दादा थैंक यू धन्यवाद। शुरू कर लीजिए ठीक है दादा ठीक है जी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रातुल चरणे आमार शतकोटि प्रणाम जानिए उपस्थित अनलाइने प्रति प्रत्येक के ऋतिक दादा দাদাদের মায়েদের প্রতি প্রত্যেককে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমি একটি কীর্তন পরিবেশন করছি বাংলাতে। ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরা
ओ गोपी ओ परम रूपे तुमी आसीले धारा तोमार चरण परोसते धारा धन्य होए जाए तोमार चरण परोसते धारा धन्य होए जाए ओ गोपी ओ परम रूपे तुमी आसीले धाराय ओ गोपी ओ परम रूपे तुमी आसीले धाराय तोमार चरण परोसते धारा धन्य होए जाए प्रिय परम रूपे तुमी आसीले धाराय मानुष ভালোবেসেছো কত আঘাত সয়েছো তাদের ভালোবাসবে বলে আকুল হয়েছো মানুষ ভালোবেসেছো কত আঘাত সয়েছো তাদের ভালো দেখবে বলে আকুল হয়েছো তোমার প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় বয়ে যায় 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 রে প্রেমের নদী বয়ে যায় 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 রে প্রেমের নদী তোমার প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় বয়ে যায় যায় তোমার প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় প্রেমের নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় এ নাম এনেছো ধরায় এ নাম এনেছো ধরায় এ নাম বিলালে সবাই এবার দীক্ষা তরি দিলেন ছেড়ে উজান বয়ে যায় নাম এনেছো ধরায় এ নাম বিলালে সবাই এবার দীক্ষা তরি দিলেন ছেড়ে উজান বয়ে যায় কত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় যায় যাই রে সাধু সন্ত কত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপি তাপি নামের গুণ সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপি তাপ নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপি তাপ নামের গুণ সাধু সন্ত হয়ে যায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় মোরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলি না তোমার প্রতিষ্ঠাতে লাগুক মোদের সকল প্রেরণা মোরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলি না মোদের সকল প্রতিষ্ঠাতে সকল প্রেরণা
এবারে তুমি থাকলে সবাই থাকে এই কথাটি ভোলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এই কথাটি ভোলা যায় যাই 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 রে এই কথাটি ভোলা যাই 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 রে এই কথাটি এবারে তুমি থাকলে সবাই থাকে এই কথাটি ভোলা যায় তুমি সবাই থাকে এই কথাটি ভোলা যায় তুমি সবাই থাকে কথাটি ভোলা যায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় তোমার চরণ পরশতে ধরা ধন্য হয়ে যায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরায় জয় গুরু দাদা জয় গুরু মুখার্জী মা বহু সুন্দর আপনি জিস ভাব সে জিস ঊর্জা সে আপনি উপস্থাপনা কিয়া বহু সুন্দর লগা বহুত আনন্দ আয়া আপনি আজ ইস দিব্য সৎসঙ্গ প্রভু কা জন্ম দিবস মে আপনি ঠাকুর জি কে উদ্দেশ্য মে আপনি ইয়ে কীর্তন প্রস্তুত কিয়া থা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপকা সার্বিক মঙ্গল কামনা করতে হুয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর জি কে শ্রী চরণ মে প্রার্থনা করতে হ্যাঁ इस कड़ी में मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगा श्रीमती कंचन चौधरी माँ अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है जय गुरु दादा जय गुरु आप श्री ठाकुर जी के श्री चरण में आप हाँ हाँ एक भजन निवेदन कीजिए ठीक है दादा सबसे सुंदर नाम सबसे सुंदर नाम था तुझे प्रेम स्वरूप त्रिभुवन रूप अमर उज्वल चित्रप रूप प्रेम स्वरूप त्रिभुवन रूप अमर उज्वल चित्रप रूप जीवन कारण मन जीवन कारण मन ज्ञान सबसे सुंदर नाम था
जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने शंख बजा के प्रभु का आपने जो याद किया, आपने जिस हिसाब से प्रभु का नाम, ठाकुर जी का नाम सबसे सुंदर है, वाकई इसीलिए सुंदर है कि आज इस दिन में, आज का सुबह से लेके अभी तक कितने जो सारा पृथ्वी में सत्संग हो रहा है कहने की बात नहीं है। सारे भक्त उनका गुण कीर्तन करते करते मतवाला हो गए हैं। सुबह से लेकर सात तक एक सत्संग का एक आलोड़न जो बोलते हैं, एक माहौल क्रिएट हो गया है। यही है ठाकुर जी का विश्व रूप। अगर आपको नहीं अनुभव होता है, अनुभव कर लीजिए, यही ठाकुर जी का विश्व रूप है। मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत सुंदर आपने भजन उपस्थापना किया, आपका और आपका परिवार जिन्होंने भी ये सत्संग में संगीत में साथ दिए हैं, सभी का मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगा जय गुरु श्री गोविंद शर्मा और उनके परिवार को मैं आमंत्रण करना चाहूंगा एक कीर्तन परिवेशन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में आज का इस शुभ दिन में एक सुंदर सा एक कीर्तन उपस्थापन की श्री गोविंद शर्मा और उनका परिवार।
मोहंतोदा अभी उनका दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, आगे का कार्यक्रम करें, मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु। मैं असम से, उदलगुरु से बोल रहा हूँ। मैं गान कर सकता हूँ थोड़ी देर में, पहले ये कार्यक्रम हो जाए। ठीक है, रुक जाइए आप, रुक जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, गोविंदा, गोविंदा से कांटेक्ट कर रहे हैं, गोविंदा से कांटेक्ट नहीं होगा तो हम लोग एडजस्ट। ठीक है, श्रीमती स्वागता चौधरी माँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आप एक भजन आप प्रभु के लिए आज एक निवेदन कीजिए। श्रीमती स्वागता चौधरी माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। शिशु धारा जुड़ा भी
छोटा भाई से गलती होता है। स्वागत है आप, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन कीर्तन आज हो जाएगा, क्योंकि आज का ये शुभ दिन में नहीं होगा तो मेरा गोविटमिन हो जाएगा। तो मैं आपका सर्विक मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी का शिक्षण प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है भाव से। आपने भाई से बात हो गया था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा, सत्संग समाप्त करके हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे बात कर लेंगे। कृष्णेश्वर शर्मा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है, ठीक। कृष्णेश्वर शर्मा जी, जी आवाज आ रही है। कृष्णेश्वर शर्मा जी, आवाज, मेरी आवाज आप तो पहुंच रहे हैं? पहुंच रही है, पहुंच रही है आवाज। ठीक है, शुरू कर लीजिए। करिए करिए, मैं भी मन से बहुत। और कृष्णेश्वर जी, रोकागन इसका विषय उमंग उत्साह का दिन है। हम लोग परम दयाल श्री ठाकुर अंकुर चंद्र का 133वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, और ऐसे में भजन कीर्तन करके उनको याद करना हमारा कर्तव्य है। ठाकुर जी ने लाखों वाणियां दी है, उसमें से एक दो वाणी को मैंने भजन का रूप दिया है, सुनिए। ठाकुर भज ओ मेरे मनवा, ठाकुर भज ओ मेरे मनवा, जीवन में शांति रही दिलवा में चैनवा, जीवन में शांति रही दिलवा में चैनवा, ठाकुर भज ओ मेरे मनवा, जीवन में शांति रही दिलवा में चैनवा, जीवन में शांति रही दिलवा में चैनवा। उषान साए मंत्र सदा, उषान साए मंत्र सदा, चला फिराए जा। उषान साए मंत्र सदा, कृष्णेश्वर जी, कृष्णेश्वर जी माइक ठीक से रखिए, माइक 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 ठीक से रखिए, माइक माइक बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, माइक ठीक से रखिए। यथा समय
जय गुरु कृष्ण दादा, आपने और आपके परिवार के साथ मुझे लगा आपने आज श्री ठाकुर जी का इस कीर्तन प्रस्तुत किया। आपका और आपका पारिवारिक सभी का मंगल कामना करते हुए आज का इस शुभ दिन पे प्रभु का आज जन्म दिवस है, इस शुभ दिन पे आपका सर्वाधिक मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी से चरण प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। जय गुरु। महंतोदा जी दादा, जी दादा आप अगर हो जाए तो आई विल बी देयर विद यू। हाँ हाँ प्लीज, आप मेरे से आप माइक ले सकते हैं दादा, प्लीज। मैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अभी कृति दादा अभी आ गए हैं, मैं उनको आमंत्रण करना चाहूंगा कि मेरे से अभी माइक ले और सत्संग का आगे का कार्यक्रम वो परिचालन करें। कृतिदा मेरे से आप माइक ले। सबसे पहले मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग देखिए, मेरे पास ऐसा एक फैसिलिटी है, मैं एक बटन दबाता हूँ सबके म्यूट हो जाएंगे साउंड, जो लोग भी बात कर रहे हैं अपने अपने साउंड को खुद म्यूट कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं आज ठाकुर जी का पुण्य आविर्भाव दिवस है और भारत नहीं बहिर्भारत में भी जगह जगह में उनको लोके लेके हम लोग सब एकदम तन्मय होके एकदम उछल कूद करके उनकी जन्म दिवस को पालन कर रहे हैं। लेकिन उनका जन्म दिवस पालन करना मुझे लगता है तब सार्थक होगा जब हम सब उन्होंने जो हमें आदेश किया है उस आदेश को परिपालन करेंगे। तब ठाकुर जी का एक बात है, ठाकुर जी एक जगह में बोलते हैं बांग्ला में, प्रभु तो के बासेन भालो तोड़ ताते की, तुई जदि ना बासिस भालो अश्य ढाला की। प्रभु हमसे प्यार करते हैं, इससे क्या है, क्या मैं प्रभु को प्यार करता हूं? अगर नहीं तो जो राख निकलता है ना चूल्हा से, उसके अंदर घी डालने में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आग बुझ चुका होगा, वो जलेगा नहीं, धुआं निकल जाएगा। मेरे ठाकुर प्रेमी भक्त लोग, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है
कि आप पल्लू झार सत्संगी मत होइए कि यहाँ लखनऊ में 8 बजे आया, वो हो कितना सुंदर भजन कीर्तन प्रवचन सुना, और एक गाना तो आज के दिन में मुझे याद आ रहा है, सिसी बोर्दा का गाना है, उसको हम लोग अमर संगीत बोलते हैं, तुमार रंगे हृदय आमार रांगा। इस तुमार रंगे हृदय आमार रांगा जब रात को 9:30 बजे सत्संग समापन हो और घर जाने की जल्दीबाजी हो और प्रसाद ना मिल रहा हो और खाना भी ना बना हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से निकल के आता है तुमार रंगे हृदय आमार कांदा, मतलब रो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पल्लू झार सत्संग मत होइए। जो यहाँ पे आप सुन रहे हैं उसको घर में जाके अपने जीवन में अपने चरित्र में उतारे, तब देखेंगे जीवन कितना सुंदर है, मधुमय है, प्रेममय है। ठीक है, समय मिलने पर और चर्चा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे बीच गोविंद शर्मा दा अभी ज्वाइन कर गए होंगे, किसी ऋतिक दादा का फोन आया था, वो उसमें व्यस्त थे। गोविंदा आप ज्वाइन कर लिए हैं क्या? गोविंद दादा नहीं, अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं शायद। खैर, मैं आमंत्रण कर रहा हूं इस समय अपने बात। हेलो हेलो गोविंद जी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। मैं आमंत्रण करना चाहूंगा इस समय श्री ब्रजेश मिश्रा दा कि आप 5 मिनट पे ठाकुर जी की लीला कीर्तन में ठाकुर जी के बारे में हम सबको कुछ बताएं। 5 मिनट घड़ी पकड़ के श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा दा। बीके मिश्रा दा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ दादा, सुन नहीं पाए। ठाकुर जी के ये जो प्रेम है, ठाकुर जी के इस प्रेम के बारे में 5 मिनट में कुछ बोलिए, आपके पास 5 मिनट समय है। जी दादा, शुरू करिए। परम दयाल परम पिता, चरणों में आपकी आवाज चले गए हैं ब्रिजेश दा। मिश्रा दा आप म्यूटेड हो गए हैं, अनम्यूट कर लें। हाँ दादा, आ गई आवाज। आवाज आ गया, आ गया, आ गया। अजी प्रेम के विषय में यह कहा गया कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और यह प्रेम प्रेम हृदय से होता है। प्रेम सांसारिक चीजों से नहीं हो सकता है, प्रेम इटर्नल होता है, प्रेम अमृत तुल्य होता है, और प्रेम किसी सांसारिक चीज से होना संभव ही नहीं है। प्रेम तो हमेशा परम दयाल से ही होगा। प्रेम की एक पवित्रता होती है, प्रेम की एक निष्ठा होती है। जहां प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। भौतिक वस्तुओं से प्रेम होना आसक्ति है। प्रेम तो शुद्ध और शाश्वत है। हृदय में प्रभु को प्राप्त करने की जब इच्छा प्रकट होती है तो वही वास्तविक प्रेम है। गीता में भी कहा गया है कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में शांति है। अर्थात यह कहा गया, प्रेम ही शांति है, प्रेम में ही शांति निहित है। ठाकुर जी ने भी सातवती में कहा, सत्यानुसरण में कहा है कि प्रेमी का संग करो, सत्संग करो, वे स्वयं प्रकट होंगे। इसका मतलब प्रेम को प्राप्त करने का माध्यम सत्संग है, और दीक्षा
पाने का माध्यम भी सत्संग है। और यह कहा गया है कि आप अपने परम दयाल के प्रति इच्छा व्यक्त करिए, परम दयाल स्वयं आकर के आपको उठा लेंगे अपने हाथों। ठाकुर जी ने कहा है जगत कि इस जन्म में, इस अवतार में मुझे आपको नहीं खोजना पड़ेगा, मैं आपको खोजते हुए आऊंगा, आया हूं। और जब तक सब व्यक्ति को दीक्षा नहीं मिल जाती है तब तक परम दयाल का वह कार्य अधूरा रह जाएगा। तो हम लोगों का यह कार्य है कि जो हम परम दयाल से प्रेम करते हैं तो उसी तरह का आचरण करें, और हमारे आचरण से बहुत लोग अच्छे बन जाएंगे, और इससे बहुत लोग दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। और ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में ही कहा है कि केवल प्रेम के प्रच्छालन से ही उनकी दीप्त से जगत उद्भासित होता है। मतलब यदि आपके जीवन में कुछ प्रकाश चाहते हैं आप, शाश्वत प्रकाश, अमृत तुल्य प्रकाश, तो परम पिता के चरणों में, परम पिता के बताए हुए नियमों के में, परम पिता जो परिचालना करना चाहते थे, जिस तरह आपके को जीवन जीने की शिक्षा दे गए हैं, उसमें आप तन मन धन से उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। जो साधना करने से हृदय में प्रेम आता है वही करो। ठाकुर जी ने साफ साफ कहा है कि जिससे, जो साधना करने से हृदय में प्रेम आता है वही करो, और जिसमें क्रूरता, कट्टरता, हिंसा आती है, लाभदायक हो और उसके नजदीक मत जाओ। और सीधे सीधे शुरू में ही कहा गया है कि दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है। और प्रेम का प्रस्फुरण जब होता है तभी आत्मा परमात्मा की ओर जाने के लिए रुचि लेती है, जाने के लिए तैयार होती है। और परम सद्भेद परम दयाल ठाकुर जी के बताए हुए रास्तों से ही हम लोगों का जीवन धन्य होगा। बचना, बढ़ना और सबको लेकर साथ चलना, परिपार्श्विक को साथ लेकर चलने को ठाकुर जी ने कहा है। आप स्वयं में बहुत अच्छे हो जाएं और आपका परिवेश परिपार्श्विक अच्छा न हो तो यह कोई समाज नहीं हुआ, यह ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते का उल्लंघन हुआ। और थैंक यू ब्रिजेश दा। बहुत सुंदर की बात आपने बताया। बाकी ये प्रेम के जो ढाई अक्षर प्रेम के, उसके बिना कुछ होना नहीं है, ये कड़वा सच है, सबको मानना पड़ेगा। और प्रभु को पकड़ना का एक ही उपाय है, उनको प्रेम के आलिंगन से बांधिए। आइए हम लोग चलते हैं नेपाल भैंसाबाड़ी, वहां हमारे सुद्योग गोविंदा है। गोविंदा आप तैयार हैं? गोविंद दा एक भजन, एक कीर्तन जी शुरू। दादा शुरू करते हैं। हाँ प्लीज शुरू करिए। भुवना मंगला, ये असमी कीर्तन है, हम लोग इसको नेपाली में बनाए हैं, हम लोग नेपाली में ही गाएंगे। जप है राधाना, भुवना मंगला, जप है राधाना, भुवना मंगला, जप है राधाना, भुवना मंगला, जप है राधाना, भुवना मंगला।
गोविंदा साउंड म्यूट हो गया। गोविंद भाई साउंड म्यूट है। गोविंद दादा साउंड म्यूट है। Bansi Bhoo
हे यो नाम कृष्ण दासन बंसे तब भैरा नाम कृष्ण दासन बंसे तुले यो नाम कृष्ण दासन बंसे तुले जब भैरा नाम कृष्ण दासन बंसे तुले यो नाम कृष्ण दासन बंसे तुले जब भैरा नाम कृष्ण दासन बंसे तुले यो नाम कृष्ण दासन बंसे तुले जब भैरा नाम कृष्ण दासन इतना झुमा दिया हम लोगों को कि अभी भी हम झूम रहे हैं, झूम ही रहे हैं और हमारे पास कोई शब्द नहीं है, केवल राधा नाम ही जपना है। तभी एक गाना मुझे भी कीर्तन याद आ गया, जो पीते जो, अब बजाइए आप खोल करताल बजाइए गोविंदा, ठीक है ठीक है, जो पीते पावे मुखो धाम पूर्ण शांति दामे जय बेरे लोभित पावे मुखो धाम पूर्ण पूर्ण शांति धाम जय बेरे पूर्ण शांति धाम जय बेरे पूर्ण शांति दामे जय बेरे। देखिए पूर्ण शांति धाम में जाने का एक ही उपाय है, उस राधा नाम में डूबकर
वो उनके जो प्रभु है मेरे परम पिता है उन पे हमें जुड़ना होगा। हम लोग आरबी चौधरी दा से कुछ 5 मिनट सुनेंगे, लेकिन उससे पहले किरण माँ से एक भजन सुनते हैं। किरण माँ एक भजन सुनाएं। आपकी पूरे पारिवारिक मंगल प्रार्थना करता हूं गोविंदा, आप बने रहिए, हम लोग इस प्रोग्राम को आगे और ले चलेंगे। पहले किरण माँ आपसे एक भजन। श्रीमती किरण तिवारी बीरगंज माँ एक तो भजन। किरण माँ, किरण माँ शायद किरण माँ इस समय नहीं है। कृष्णेश्वर दा आपका भजन हो गया था ठाकुर जी के चरणों में, कृष्णेश्वर शर्मा दा उनका हो गया था दादा, उनका हो गया। आइए अभी अभी हम आमंत्रण कर रहे हैं स्नेहा दास माँ। आप इतने सुंदर कंठ के माल माने है इनके सुर, माँ सरस्वती इनके में विराजमान है खुद इनके कंठ में। माँ स्नेहा माँ अगर आप अपने मोबाइल को अनम्यूट करके एक ठाकुर जी को उनके जन्मदिन में एक कुछ सुनाइए, चाहे कीर्तन भजन जो आपको अच्छा लगे गाना आप सुनाए प्लीज। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? है, आ रही है, आ रही है सर, बोलो। जय गुरु। परम दयाल के चरणों में मेरा सतकोटि प्रणाम एवं उपस्थित सबको मेरा जय गुरु। मैं शुरू कर रही हूँ। Thank you.
माँ, आपकी आवाज इतना सुंदर है, मैं बहुत बार आपको गाना गाते सुना हूँ, हर बार लगता है कि ये अच्छा है, पिछले बार से ये और अच्छा है, ऐसा लगता है। आपकी मंगलमय जीवन और स्वस्थ दीर्घायु की मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ। उनके जन्मदिन में आपने जो उनको तोहफा दिया एक सुरेलू गाना गा के, मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही गाते रहे जी, उनकी दया के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, और आप आगे और बढ़ोतरी करें, आपकी और हम लोग गाना टीवी में देखें, मैं एक आध देखा हूँ, और रेडियो में भी आप गाएं, यही आप हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और जब समय आपको मिले सत्संग बिहार लखनऊ में आप आए और बेझिझक अपनी सुरेली आवाज से श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में भजन। मेरी तरफ से सत्संग बिहार लखनऊ को अनेक अनेक धन्यवाद इस आंतरिकता के लिए। अनेक अनेक सत्संग ज्वाइन करने के बाद भी लखनऊ के लिए एक चाह हमेशा रहती है, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। अब मैं आरबी चौधरी प्रोफेसर हैं, आप हमसे आपसे निवेदन है, आप ठाकुर जी के सह प्रतिनिधिक है, आप 5-7 मिनट में, अभी 9:28 हो रहे हैं, 9:35 तक आपकी मन की बात ठाकुर जी के चरणों में रखेंगे। आपके घर से आज का ये सत्संग आयोजन हो रहा है, श्रद्धेय आर बी चौधरी दा। कल का सत्संग हमारे श्रद्धेय डॉक्टर स्वरूप माथुरदा और दीपाली दत्तो माँ के घर से होगा। आइए हम लोग सुनते हैं चौधरी दा से। चौधरी दा प्लीज। वंदे लोक तिलकम सात्वत्वार्ता विभूषणम अमर केतु सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवम नवमी। आज हमारे परम पिता परमेश्वर सुप्रीम फादर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का पूरे विश्व में जन्म समारोह मनाया जा रहा है। ये हमारे जगत गुरु के रूप में, विश्व पिता के रूप में, और पूरे धरती पर अच्छी तरह से सारे लोग प्रेम से उनको सेलिब्रेट, उनके जन्म समारोह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी सभी गुरु भाई गुरु माँ को ठाकुर जी के रातुल चरणों में सबके शांति स्वस्थ्य और मंगलमय सुदीर्घमय जीवन के लिए कामना। श्री श्री ठाकुर ने बोला है कि बहुत छोटी छोटी बातें श्री श्री ठाकुर ने बताया है, यजन स्मृति स्वस्थानी सदाचार अध्ययन अध्यापन और के जीवन में चलने से जीवन में हर तरह की उन्नति संभव है। अगर हम ईमानदारी से, हम अगर हृदय से ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के प्रति समर्पित हैं, तो ठाकुर जी हमारे जीवन में उन्नति छोड़ के और कुछ नहीं देंगे। ठाकुर जी बोले हुए थे, जो हमारे साथ रहेंगे, जो सत्संग से जुड़ेंगे, जो ठाकुर बाड़ी आएंगे, जो आचार प्रथा को लेके चलेंगे, जो आचार के आदेश में चलेंगे, उसका जीवन हमेशा सफल सार्थक और धन होगा। इसी बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला था, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा भक्तों का
मेरे अनुयायियों का, मेरे प्रियों का कभी विनाश नहीं हो सकता है, उनका कोई सर्वनाश नहीं कर सकता है। इसी बात को ठाकुर जी ने बोला है, जो ठाकुर जी के बोले हुए हैं कि जो सत्संग से जुड़ेंगे, जो सत्संग के साथ चलेंगे, जो आचार प्रथा को निभाएंगे, उनका विनाश कभी जीवन नहीं होगा। सुख दुख अपने कर्म और भाग के हिसाब से होता है। ठाकुर जी ने हमारे जीवन में जो जितना भी ठाकुर जी की आलोचना करते हैं कि ठाकुर जी स्मृति का प्रोसेस जो लगा है वो तो पैसा का मामला हो जाता है। इसी बात को ठाकुर जी ने नहीं बात समझाए, देखो जब कोई आदमी जंगल में चलते चलते भटक जाता है, जंगल के अंधेरे में भटक जाता है, तो हमें लालटेन लग के पहुंचाना पड़ता है। जब कोई आदमी ट्रेन में प्यास से मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो नारियल का डाब लेकर के हमें जाना पड़ता है। जब कोई आदमी नदी में गिर जाता है तो हमें वहां पर बिना पुल का, बिना किसी सहायता का खींच के निकलना पड़ता है। जब कोई आदमी पाकिस्तान दादा आपका आवाज म्यूट हो गया है, कंचनदा आरबी चौधरी दा आपकी आवाज म्यूट हो गया है जी, शुरू कर जी, शुरू कर। तो ठाकुर जी ने बताया कि मैं हर परिस्थिति में लोगों को मदद करता हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे नदी हो, वो पहाड़ हो, वो जंगल हो, वो दिन हो या रात हो, हर स्थिति में मैं लोगों की मदद करता हूँ। ठाकुर जी ने इतना बताया है, मैं किसी का एक गिलास पानी अगर पीता हूँ तो सारे जीवन में याद रखता हूँ कि मैं उसको एक गिलास लस्सी पिलाऊं, मैं उसको एक गिलास शरबत पिता पिलाऊं, मैं उसको एक गिलास दूध पिलाऊं। इसके बावजूद भी लोगों के प्रति विश्वास, लोगों को ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होने का कारण है, आज के समय में लोग धर्म की परिभाषा से बहुत बुरी तरह से विकृत हो गए हैं। धर्म की जो परिभाषा है वो विकृत रूप से समाज में फैलाया जा रहा है। इसलिए ठाकुर जी ने जो बोला है कि अपने बचना, सबको बचाना, इसको ही तो धर्म समझना, इतनी छोटी बात नहीं है ये। आज के समय में लोग पहले अपने स्वार्थ देखते हैं, अपनी मनोकामना पूरा करते हैं, अपने मुरादे पूरी करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने इसके बोला, ठाकुर जी ने भी बोला कि अपने दुख के समय में संसारी नहीं ब्रह्मज्ञानी बनो, और दुख दूसरे के दुख के समय में संसारी बनो। ऐसा कृत्रिम भाव भी बहुत अच्छा है। अगर अपने दुख में हम संसारी बनते हैं और दूसरे के दुख में हम ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, ये एक गलत प्रथा है। ठाकुर जी ने हमें एक अच्छे इंसान बनने के लिए पथ दिया है। ठाकुर जी कोई साधारण गुरु महात्मा नहीं है, वो पुरुष है, विश्व ब्रह्मांड है उनका सृष्टि, उनका सृष्टा, सारे ब्रह्मांड उन्हीं का बनाया हुआ, रचा हुआ है। अगर कोई समझने की कोशिश करता है तो वो गलत करता है। वो ठाकुर जी को प्रेम समझने की कोशिश नहीं करे, उसी में उसकी भलाई है। अभी क्या है, शुद्ध आवश्यकता है, अच्छे बुरे लोग एक प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और एक डकैत तक, एक एक मर्डर तक, एक हत्या तक भी पहुंचे। और सीसी ठाकुर ने उनको भी शरण दिया, उनको भी अच्छा इंसान बना के आगे बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य है, नहीं वो अवतारी पुरुष हैं, वो सृष्टा हैं, वो दृष्टा पुरुष हैं, वो सबके अंदर हैं। इस बात को हमारे पहले के जो कुमोदा थे, जो लक्षिदा थे, जो नफर थे, ये लोग जानते थे ठाकुर जी कौन है। एक ही समय में ठाकुर जी 10 जगह उपस्थित होकर के लोगों की बातें सुनते थे, लोगों के साथ चलते थे, लोगों के साथ बैठते थे। ये बात नहीं,
हम लोग का परम सौभाग्य है श्री ठाकुर जी का आज आज हम लोग जन्म समारोह मना रहे हैं। हम ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जब देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी उस समय ठाकुर जी की संख्या हजारों में थी। आज देश की संख्या आज 140-135 करोड़ है। लगभग 5 करोड़ ठाकुर जी के शिष्य हैं। वह हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में ठाकुर जी के शिष्य फैले हुए हैं। आज से 10 साल की अपेक्षा आज के दिनों में घर घर में ठाकुर जी विराजित हैं। हर घर में ठाकुर जी का विग्रह, हर घर में ठाकुर जी का मूर्ति, हर घर में ठाकुर जी का प्रार्थना स्तुति यजन याजन हो रहा है। कोरोना काल में खास करके जब सारे गुरुद्वारे सारे सारे मंदिर सारे गिरजाघर सब कुछ बंद हो गया, आज हमारे गुरु भाइयों के घर में ठाकुर जी जागृत हो चुके हैं। हम लोग अच्छी तरह से और दिनों की भांति आज हम ठाकुर जी के और नजदीक महसूस करते हैं। ऐसी भावना रखना चाहिए और ऐसा ही सबों को बताना भी चाहिए। तो ठाकुर जी के इसके साथ ही मैं आप सबों के धन्यवाद आप सबों के मंगल कामना के लिए सुदीर्घमय शांतिमय स्वस्थमय जीवन के लिए ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं निवेदन करता हूं। आप सभी हंसते खिलखिलाते उन्नतिशील रहें और ठाकुर जी को लेकर के इसी तरह चलें। जय गुरु। अब मैं आमंत्रण कर रहा हूं हमारे श्रोतेय ज्योतिषानंददा को एक भजन प्रस्तुत करते हुए। आप जय राधे करेंगे और मैं उपस्थित सभी के साथ आरबी चौधरी दा का पूरे परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। ज्योतिषानंददा एक ठाकुर जी का सुंदर भजन जो आपको सबसे अच्छा लगता है सुनाएंगे। शुरू करिए। ठीक है ऑन कर लीजिए दादा गाना शुरू करने के बाद। है ठीक है ऑन है दादा। आवाज जाच्छे तो खूब सुंदर एकदम ताले। अच्छा ओके खूब भालो। ये जो भजन है बांग्ला भजन ये श्री श्री दादा का रचना है और इसमें धुन बनाया है श्री बलराम दास। তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না তোমায় পাওয়ার অনুভূতি তাই তো জানে না। তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না তোমায় পাওয়ার অনুভূতি তাই তো জানে না। দয়াল তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না তোমায় পাওয়ার অনুভূতি তাই তো জানে না। চিনির বোঝা বহন করে বুঝবে সোয়াবে কেমন করে বোঝা বহন করে বুঝবে সোয়াবে কেমন করে যদি মুখে দিত যদি মুখে দিত রশ্মি হতো জানা তোমায় পাওয়ার আনন্দ তাই তো জানে না। তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না তোমায় পাওয়ার আনন্দ তাই তো জানে না। তোমার ধ্যানে নীরবতা কেমন সুখের জানে মাতা তোমার ধ্যানে নীরবতা কেমন সুখের জানে মাতা প্রেমের কি যে মাধুর যথা প্রেমের কি যে মাধুর যথা কিছুই বোঝে না তোমায় পাওয়ার আনন্দ তাই তো জানে। তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না তোমায় পাওয়ার আনন্দ তাই তো জানে। ভক্তি জানে না রয় যদি শুধু কথায় কি বা হবে সেই কথাটাই সহজ কেউ বোঝে না ভবের মন কেউ বোঝে না। ভক্তি জানে না রয় যদি শুধু
নিত্য তোমার সেবা বিনা, নিত্য তোমায় সেবা বিনা তৃষ্ণা কমে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দটি তাই তো জানে না। তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দটি তাই তো জানে না। দয়াল তোমায় পাওয়ার আনন্দটি তাই তো জানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দটি তাই তো জানে না। মিনিট দাদা, आप लोगों को सबको खबर देना है। ज्योतिषानंददा एक मिनट, आपके स्क्रीन में अच्छा दादा आप देख पाएंगे वो तमाम फोटोग्राफ जो आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से मैं बोल रहा था, ये एक चमत्कार है कोरोना काल में। देखिए कि ये 239 फीट लंबाई में जहां 22 पिलर लगा है और पहले एक पिलर लगा था 23 पिलर के साथ, ये प्लिंथ बना के उसके बाद टाई बीम लगा के काम इतने द्रुत गति से हो रहा है। आप देख सकते हैं अब ईंट से जुड़ा मतलब जो बाउंड्री वॉल का काम भी चालू हो चुका है और 4 फीट तक का बाउंड्री वॉल उठ चुका है। ये इतना स्पीड से काम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी गर्मी है प्रखर और 5-3 लेबर और 2 मिस्त्री मन के इतनी सुंदर तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सबके ये जो कंट्रीब्यूशन था, आप लोगों का सहायता था, इससे ये काम हो पाया। आज भी मैं डॉक्टर नीलेश जी हमको व्हाट्सएप किए कि उनके तरफ से 11,000 रुपया, उनकी वाइफ डॉक्टर पंखुरी की तरफ से 1,000 रुपया, एक मानसी माँ है उनके तरफ से 501 रुपया। इस तरह से लोग मुझे उस दिन दर्शन जी मिले, दुशासन जी, उन्होंने बोला मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मुझे भी बोलिए। आज अरविंद चौधरी धाम को बोल रहे हैं मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, ये डॉक्टर शरू माथुर धाम को आज बोल रहे हैं मैं भी कुछ करना चाह रहा हूँ, उस दिन मुरारी दा को मिले थे वो बोल रहे हैं मैं भी और कुछ करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था हे ठाकुर कैसे काम करेंगे, आज देख रहा हूँ क्या मैं इतनी छोटी बात ठाकुर जी को बोला कि कैसे काम करेंगे, उन्होंने वर्षा कर दिया। तो ऐसा होता है उनकी दया। आइए हम लोग अब जय राधे करते हैं और धोनी देके आज का सत्संग समाप्त। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल, राधे गोविंद 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 बोल सदा করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরে, ভবনে বল হরি হরি, হরি নাম পরম বন্ধ জীবের ধর্ম অন্তরম কুকর্ম, ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজন্মা নামে কর সারা দে গোবিন্দ নামকে গগনে লইয়ে নয় সলা আসরে। জয় রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সলা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরে, বলনে বল হরি হরি, হরি বল হরি বল, 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 হরি বল হরি বল,
परिणाम कर्म बुझे सारे जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले सारे मन भवे रो आशा अल्लाह नामे करो रे राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल जय राधे राधे गोविंद बोल जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल महंतोदा ध्वनि दे दीजिए प्लीज जी दादा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ मां की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ मां की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ मां की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय 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 परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सात सांग की जय सात सांग की जय सात सांग की जय जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितरम वंदे आर्य पितरम वंदे मातृवर्गम वंदे मातृवर्गम वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 सभी को जय गुरु सभी को जय गुरु जय गुरु। एक विशेष सूचना है कल की सत्संग दीपाली माँ कल की सत्संग दीपाली माँ और सद्गुरु डॉक्टर स्वरूप माथुरदा के घर से होना है 20 तारीख रविवार। उस दिन हम लोग के यहाँ पे जुबा सत्संग होगा। जो भी बच्चे 17 साल तक का है या उसके नीचे, मैं उन सबको
रिक्वेस्ट करता हूं उनके माता पिताओं को, कृपया अपना बच्चे का नाम और वो क्या करेगा इस दौरान हमें यहाँ चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर में दे सकते हैं। श्रद्धेय मोहंतोदा का नंबर मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास है, क्योंकि रेगुलर पिछले एक महीने से ये सर्कुलेट हो रहा है। कल 31 भादो है, भादो महीने का आखिरी दिन है, क्योंकि कोई हम लोग भादो महीने में सब सत्संग देना चाहते हैं, इसलिए दो, एक माँ और डॉक्टर स्वरूप माथुरदा दोनों को मिला के हम लोग को करना पड़ रहा है। और उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि जो कल चला गया 14 तारीख उस दिन मिस हुआ, कल किसी के घर से नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग 16 तारीख को दो लोगों के करने पड़ेंगे। 20 तारीख को युवा मिलन है, भजन कीर्तन, ठाकुर जी का पोएम रिसाइट करना, ये भी इसका हिस्सा है। और आने वाले दिनों में हम लोग एक कंपटीशन भी करेंगे कि ठाकुर जी के भावधारा को लेकर कंपटीशन करेंगे, और ये सब आप सबके सूचना के लिए है। मैं आप सबको आमंत्रण कर रहा हूं कि आपके माध्यम से पूरे भारत बहिर्भारत में आपके जो लोग जान पहचान के हैं उनको इस वार्ता को पहुंचाएं कि इस ग्रुप में आए, क्योंकि अगले 17 तारीख से ग्रुप में डिस्कशन होगा ठाकुर जी की सत्यानुसरण, ठाकुर जी की नारी नीति, ठाकुर जी की सात्वती, ठाकुर जी की अनुश्रुति, और भी तमाम चौलार साथी, पोथेर कोड़ी, इन सारे किताबों से हम लोग कोशिश करेंगे बानी लाकर उसमें हम लोगों ने क्या समझा एक दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे। सबके मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ, सभी को जय गुरु। आप स्क्रीन में शुद्ध अजय किशोर महंतोदा की घर में जो ठाकुर घर है, ठाकुर जी का आसन है, उस फोटो को आप लोग देख पा रहे हैं। अब आप लोग अनम्यूट करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक एक करके करेंगे तो अच्छा लगेगा। जिसका नाम है अल्फाबेटिकली उस तरह से करेंगे तो जय गुरु आरवी चौधरी दास, जय गुरु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका सत्संग लगा, आपके सर्वांगीण मंगल के लिए परमपिता के आतुर चरण में एकांत प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जी दीपाली माँ बोलिए। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। सुरेंद्र दा बाद में बोलेंगे, अभी नहीं। अजय किशोर महंतो दा, अजय किशोर दादा, जय गुरु, जय गुरु सभी को, जय गुरु चौरासिया दा, जय गुरु कृतिजा, जय गुरु सभी को, मेरा जय गुरु चौरासिया दा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जब भी जुड़ते हैं एक अलग सा फीलिंग क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे प्रेमी आदमी को देखते हुए बहुत आनंद लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु सभी को, जय गुरु। अमित कुमार श्रीवास्तव दादा, अनुरूपा विश्वास माँ, दादा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। नेक्स्ट इज बीके मिश्रा दा, बीके, बाकी लोग चुप रहे हैं, अभी एक एक करके आ रहे हैं अल्फाबेटिकली। बीके मिश्रा दा जय गुरु। ओके विभूति, विभूति मंडल जय गुरु, विभूति जय गुरु। आपका भजन आप तैयार करके रखिए, आने वाले दिनों में आपसे कीर्तन और भजन सुनेंगे। मैं आपको उस दिन सुना, बहुत सुंदर आपने कीर्तन पेश किया था रुद्रपुर में, चांदनी चांदनी मधवानी विक्रांत और विक्रम मधवानी दा। जय गुरु दादा, जय गुरु, कैसे हैं जी दादा? बढ़िया। दीपाली दत्तमा दादा, जय गुरु, जय गुरु, सबकी मंगल कामना करता हूँ। धनराज दा जय गुरु, धनराय भट्टाचार्य दा जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु सबको, जय गुरु माँ को, जय गुरु सबको, जय गुरु। ठीक हूँ दादा, ठीक हूँ। ओके
गोविंदा गोविंदा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर सबको लेके जाते हैं आप और सबको झुमा देते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम झुमा देते हैं, आपके बच्चे भी हैं वो बजाते रहते हैं आपके पीछे बैठे। ये सब चौरासी अदा का ट्रेंड लोग हैं, ये सब ट्रेनिंग तो हुआ है सब ट्रेंड है ना। हाँ गोविंदा कुछ बोल रहे थे। ठीक है ठीक ही रहा, अच्छा रहा। आप लोगों को एकदम ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा थैंक यू, कम से कम ठाकुर जी का जन्म दिवस में एक दो एक कीर्तन करने का मौका मिला। अब मैं जानता तो नहीं हूँ कैसे कैसे कीर्तन करने में बहुत मजा आता है, मतलब नेपाल कीर्तन करने में जो नेपाल में रह के आसाम के गाना आप नेपाली में ट्रांसलेट करके गाना बहुत, और हम लोग झूम रहे थे, ये सच है। बहुत सुंदर गाते हैं गोविंदा, बहुत झुमाते हैं लोग को, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत बेहतरीन। जय गुरु। बहुत इनका व्यक्तित्व है गोविंदा का, वो अकेले नहीं है, उनके साथ व्यक्तित्व है बहुत सुंदर। अकेला नहीं है ना, उनका परिवार साथ में है, ये सबसे डबल ज्यादा इनका इनका बेटा बेटी भजन गाते हैं, परिवार पूरा है। जी 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 गोविंदा दोनों बच्चे को अगले संडे को प्रोग्राम करना है युवा सम्मेलन में। जरूर जरूर मंडल माँ, जय गुरु, जय श्री मंडल माँ, जय श्री मंडल माँ, जय गुरु जय गुरु। कैमन आलो बहुत बढ़िया, चाय बासा का जय हो। ज्योतिषानंद महंत दा, ज्योतिषानंद महंत दा बोलो बोलो। दादा जय गुरु, जय गुरु, भलो थकबेन, ठाकुर का प्रार्थना करी। कमल शर्मा दा, कमल शर्मा दा जय गुरु, जय गुरु। आज आपका भजन नहीं सुन पाया, हम कल गाएंगे दादा कल। ठीक है, कृतिकांत मंडल दा, आप सह प्रतिनिधि पीलीभीत से हैं, कृतिकांत मंडल दा अच्छा एक मिनट रेडी थकते। कृतिकांत दा जय गुरु, महेश शुक्ला दा जय गुरु, महेश शुक्ला दा कहाँ छुपे बैठे थे, हमारे एंकर हैं। बहुत सुंदर एक दिन आपने किया, आने वाले दिनों में आपसे मैं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट मांग रहा हूँ। हाँ बिल्कुल दादा बिल्कुल ठीक है। मंजूषा गांगुली माँ जय गुरु, मंजूषा माँ एक भजन सुना रही हैं। अरे वाह गदर गदर गदर, जय गुरु सुनाइए। जय गुरु जय गुरु। मैंने सोचा आज ठाकुर जी का जन्मदिन है तो कुछ कर ही लेते हैं, सुबह से कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में एक गाना ना गाए तो ये ठीक नहीं लगा मुझे, हमने सोचा बाकी लोग चले गए जितने लोग हैं वही लोग सुन लीजिए मेरी गाना, सबसे पहले ठाकुर जी को ही सुनाते हैं। जरूर वीडियो ऑन कर लीजिए। धितंग धितंग बोल बाजे, धितंग धितंग बोल, धितंग धितंग बोल बाजे, धितंग धितंग बोल, खुशीर जोर लागलो धराय उठलो कल रोल, खुशीर जोर लागलो धराय उठलो कल, धितंग धितंग बोल बाजे, धितंग धितंग बोल, धितंग धितंग बोल बाजे, धितंग धितंग बोल, आज जीवन ना थेर आविर्भावे मरण जयर महत सबे, आज जीवन नाथेर आविर्भावे मरण जयर महत सबे, दुख नाशी इष्टि तपे उठल कल रोल, उठल कल रोल, धितंग धितंग बोल बाजे, धितंग धितंग बोल, धितंग धितंग बोल बाजे, धितंग धितंग बोल, जरा श्रांत निराश क्लिष्ट कतर व्यथाय भरा मन, देखो दयाल एलेन बहे सुखेर प्रश्रवण,
চোখের প্রশ্রবণ মা ভই বলে তার চরণে বারা পুনারে আবাদ চলার আনন্দেতে দাও না উজাড় করে মদের প্রেমের তপস্যাতে সেবায় সাধনার নতুন করে জাগুক প্রাণে স্বস্তি মুখর দোল স্বস্তি মুখর দোল ধিতাং ধিতাং বোল বাজে ধিতাং ধিতাং বোল ধিতাং ধিতাং বোল বাজে ধিতাং ধিতাং বোল খুশির জোয়ার লাগলো ধরায় উঠলো কল রোল উঠলো কল রোল ধিতাং ধিতাং বোল বাজে ধিতাং ধিতাং বোল ধিতাং ধিতাং বোল বাজে ধিতাং ধিতাং বোল जय गुरु। जय गुरु मैं बोलूंगा तो अच्छा लगेगा नहीं, महंतोदा इसमें टिप्पणी देंगे क्योंकि मेरे ही घर से हो रहा था। क्यों गोविंदा सही बोल रहा हूँ ना? एकदम ठीक है दादा, महंतो दादा से आ जाए। आप भी बोल सकते हैं। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ये गाना बहुत मैं सुनते रहता हूँ, तब रातुल चरण पर से एल्बम से। वाह वाह सही, बहुत सुंदर। आइए अगले अगले हमारे बीच है मुरारी लाल रस्तोगीदा। मुरारी लाल रस्तोगीदा जय गुरु। रस्तोगीदा दा जय गुरु, आवाज नहीं आया आपका। पुष्पा गुप्ता माँ जय गुरु। पुष्पा गुप्ता जय गुरु दादा। मैं एक बात बताऊं, मैं जब से पुष्पा गुप्ता माँ हमारे यहाँ टीम में ज्वाइन किए हैं, एक दिन भी इनका मिस नहीं होता है। और ये जब बोलते हैं ना जय गुरु माँ, उनके वो उन्होंने एक फोटो लगा रखा है, जो एक स्माइल है, जो अंदर से उनका जो एक फेस है वो मेरे आंखों के सामने आता है। माँ आपको मैं परम पिता के राकुल चरणों में आपका मंगल प्रार्थना करता हूँ। और अभिषेक कैसा है? ठीक है दादा, ठीक है। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सत्संग भैसाबाड़ी। गांगुली दास जय गुरु। जय गुरु अमृतदास। जय गुरु जय गुरु। आप स्वाति अग्रवाल के बारे में बात करिएगा, अभी एक मिनट चुप रही है। अच्छा सत्संग भैसाबाड़ी। गोविंदा हो गया है, अशोक चौरासेदा हो गया है, श्रीकांत दा जय गुरु। श्रीकांत दा नहीं है। सुमित्रा मंडल, पंकज मंडल जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आप लोगों के यहाँ सत्संग कैसा लगा था उस दिन? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। तैयार करिएगा आपके पूरनपुर से चार पांच बच्चे को, 20 तारीख को युवा सत्संग होगा। स्वाति अग्रवाल जी हाँ। दादा जय गुरु। जय गुरु मुराड़ी दा कैसे हैं? जय गुरु दादा। आपने जो अभी अनाउंस किया था जी, आपने जो भी अनाउंस किया था, वो डॉक्टर नीलेश दा 11,000 और डॉक्टर पंखुड़ी दा 1,000 आपने बोला था, उनका भी 11,000 है। 11,000 है। ओके थैंक यू। 11,000 स्वाति अग्रवाल जी दादा। ओके जय गुरु दादा। दादा जय गुरु दादा। पापा कहाँ है? पापा जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ अब आया है बुलंद आवाज। दादा कुछ आप इधर हम लोग को दे नहीं रहे हैं, नाराज हैं क्या? क्या नहीं दे रहा हूँ? अरे भजन अजन या कुछ भी कोई हम लोग को मिल नहीं रहा। पूरा लखनऊ आपका है। जय गुरु दादा। तारोकेश्वर दा जय गुरु। कैसे हैं आप श्रद्धेय तारोकेश्वर दा? जय गुरु दादा। जय गुरु कैसे हैं? बहुत अच्छा है दादा। दरभंगा सत्संग कैसे चल रहा है? जी चल रहा है। आप सबके जानकारी के लिए दादा, दादा। हाँ हाँ दादा बाहर है इंडिया के, लेकिन वहां रह के डेली
दरभंगा में सत्संग करवा रहे, कितनी अजीब बात है। ठाकुर जी का क्या दया है, कौन कहां से ठाकुर जी का क्या काम कर लेते हैं किसी को नहीं मालूम। उसमें से एक आदमी हमारे तारों के श्रद्धा है जी। दादा कुछ बोलिए सबके लिए। 17 का पहले तो हम आपका कंफर्म कर ले रहे हैं। जी 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 क्या बोलेंगे दादा, हम जो है लोहा है और चुंबक को खोज रहे हैं। ये चुंबक में सट करके कुछ तो गुण हम में आ जाए, इसलिए हम चुंबक के तलाश में रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले टाटा नगर में संजू दा के यहाँ हो रहा था, वहां थे, वहां से छूटे हैं, तब आपके यहाँ है। हाँ चलिए, ठाकुर जी की दया है। पूज्य बात बाबा जी एक दिन बोल रहे थे कि जो हमें मऊ माछी होना चाहिए, मल माछी नहीं होना चाहिए। जी, मल जी, के अंदर भी मक्खी बैठता है लेकिन उस वो मधु नहीं निकल पाता है। लेकिन अगर मऊ माछी होंगे तो जितना भी बीज है हमारे यहाँ बैठेगा और हमारे यहाँ मधु मिलेगा तो हमारे इसमें रहेगा। अगर मधु नहीं मिलेगा तो कोई नहीं रहेगा। देखिए आप भैंसाबाड़ी जाइए, देखिए आप बीरगंज जाइए, 100-100 लोग सुबह 5 बजे एकदम चालू हो जाते हैं। आज मैं 5 बजे दुर्गापुर जुड़ा था, 5 बजे उनके यहाँ पे 250 लोग हो गया जी। और वो सबको रिक्वेस्ट करते रहे कि जो आदमी जो घर से 2 फोन से आप लोग कनेक्ट किए हैं, प्लीज एक एक आदमी उसको छोड़ दीजिए, एक ही कनेक्शन में सुनिए, बाकी आप लोग जाइए यूट्यूब में ठाकुर जी की बात सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे बात हो गई। अब आप लोग आपस में भी बात करें लेकिन एक एक करके करें। चौरासियादा एक दो लाइन भजन, दो लाइन कर सकते हैं? हाँ दादा परमिशन करिए। अच्छा सभी को, क्योंकि वैसे तो ये सत्संग का कार्यक्रम समाप्त है लेकिन फिर भी ठाकुर जी का जो भाव है वो तो खत्म हुआ नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। जब 84 को देखते हैं इतना एनर्जेटिक लगता है, तो एक सुनाई देते हैं उनके लिए आज ठाकुर जी के लिए उद्देश्य, लेकिन सुनाएंगे 84 को। प्रभु तुमी तो चिरो दयामा, प्रभु तुमी तो चिरो दयामा, सर्वलोके सर्वकाले सेइ तब ओगो परिचय। प्रभु তুমি তো চির দয়াময়, তোমারি চরণ প্রান্তে পথ পাই দিগভ্রান্তে, তোমারি চরণ প্রান্তে পথ পাই দিগভ্রান্তে, সন্তাপ জর্জর শ্রান্তে, নিমিষে করে জেগো নির্ভয়। প্রভু তুমি তো চির দয়াময়, প্রভু তুমি তো চির দয়াময়, সর্বলোকে সর্বকালে সেই তব গো পরিচয়। প্রভু তুমি তো চির দয়াময়, প্রভু তুমি তো চির দয়াময়। বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় গুরু। দারুন দারুন হয়েছে, আজ মনে হচ্ছে আজকে পুরা রাত ঠাকুরের গুণ কীর্তন হোক। ঠাকুরের যে পুষ্পা দীপালিমা
आप भी थोड़ा गुनगुना दीजिए, ठाकुर जी का जन्मदिन है आज। और अनुरूपा विश्वास बोधी माँ, मनोजदा बोधी आछे ना कि, पूनम भाभी, पूनम माँ एक भजन, पूनम माँ, पूनम माँ, अमरीशदा कहाँ गए आप लोग? जय गुरु दादा। हाँ सुना दीजिए दो लाइन। इस धरती में आए प्रभु जी सबके दुख दूर करने, भगवान हो नारायण हो गुरुदेव हो, भगवान हो नारायण हो राम कृष्ण हो, भगवान हो नारायण हो अनुकूल हो। इस धरती में आए प्रभु जी सबके दुख दूर करने, भगवान हो नारायण हो गुरुदेव हो, भगवान हो नारायण हो राम कृष्ण हो, भगवान हो नारायण हो अनुकूल हो। दो लाइन ही दादा। बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर दीपाली माँ, सुनाइए दीपाली चौरासिया से भी सुनेंगे। इसका आवाज बहुत आवाज आ रही है। अरविंद अरविंद आपके मोबाइल से आवाज आ रहा है। अरविंद अरविंद है दीपाली माँ, एक गाने दो लाइन पढ़ दिन। बोल सुनो दास के दयाल तुम्हारे कत मधुर सारे, कत मधुर सारे। बोल सुनो दास के दयाल तुम्हारे कत मधुर सारे, कत मधुर सारे। तोरे ते को ना हो गार, तोरे ते को ना तोरे ते को ना हो गार, तोरे ते को ना ए मधुर ना गोना राज बिना फिरे, ए मधुर ना गोना राज बिना फिरे। ओइ सुनो दास दया तुम्हारे कत मधुर सारे, कत मधुर सारे। সুখের দিনে যদি তারে ভুলে যাও, অকুল দুঃখেতে প্রাণ প্রভুকে দেবা। সুখের দিনে যদি তারে ভুলে যাও, অকুল দুঃখেতে প্রাণ প্রভুকে দেবা। দুঃখের অকুল জানি অনুমান, দয়াল তোমায় কত মধুর করে, কত মধুর করে। তোরে থেকো না ও গো আর দূরে থেকো না, তোরে থেকো না ও গো আর দূরে থেকো না। এ মধুর লাগনা লাগবে না ফিরে, এ মধুর লাগনা লাগবে না ফিরে। ওই সোনো দাসে দয়াল তোমায় কত মধুর করে, কত মধুর করে। কখন দেখি হবে
सुंदर दीपाली माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। सुरेंद्र भवानीपुरी दा अभी गुनगुनाइए, कल सुबह भजन है। सुरेंद्र का भजन छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा आज, एकदम मत छोड़िए। गुनगुनाइए। हाँ, अल्फाबेट में जब चौरसिया जी पहले आए जैसे, तो अब अल्फाबेट में इधर लास्ट में हमेरा आ गया ने? नहीं, ए तो ऑलवेज ए है, ए इज ऑलवेज ए, आगे से भी ए, ऊपर से भी ए। इसीलिए वो तुरंत माइक ऑन कर दिए। ए गोविंद दा, आप कहाँ चले गए? गोविंद दा बोलिए, सुरेंद्र भवानीपुरी दा सुनाइए। हाँ गोविंदा, भाभी कहाँ है? गाना सुनाने बोलिएगा। ठीक है। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, अंधन को कहां जाए प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। नैया जो पड़ी मझधार और टूट चुकी है पतवार, नैया जो पड़ी मझधार और टूट चुकी है पतवार, आने की दया करना प्रभु पार लगा देना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, प्रभु दीप जला देना, प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, प्रभु दीप जला देना, प्रभु दीप जला देना। सुंदर सुरेंद्र भवानीपुरी दा, और कल सुबह पूरा सुनेंगे आपसे। अच्छा, कहाँ से सुबह? मैंने संगीतांजलि में आपको मैसेज चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है दादा, बहुत हम आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग मेरा भजन ठाकुर जी को पसंद आता है, आप लोग को पसंद आता है। आपके आवाज में जो जादू है, एक दूसरे को खींच लेते हैं, ये जादू है आपके आवाज में, ये परमपिता का असीम आशीर्वाद है आपके ऊपर। कृतिकांत तो भी बोलता है क्या? सब आप लोग का और ठाकुर जी का आशीर्वाद से ही तो हो रहा है, और मनोज विश्वास दा पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा दिन भर भजन में लगे रहते हैं, तो घर वाले लोग भी कहते हैं कि नहीं, उन लोग कुछ कुछ बताते हैं कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तब हम मैंने कुछ आगे करते हैं। आज पूरा परिवार बैठते हैं तो और अच्छा लगता है। मनोज विश्वास दा शायद नहीं है, गोविंदा कुछ होगा क्या? ये एक नेपाल के और भक्त है। दादा भाभी को बोलिए एक भजन दो लाइन गुनगुना दे। क्या सुनाओ दादा? कोई भी दो लाइन ठाकुर जी को सुना दे, आज ठाकुर जी का जन्मदिन है।
मेरे घर से घर से माँ ने शुरू किया और मोहनदुदा पकड़ लिया, चौरासिया था उसको आगे बढ़ाए, और उधर दीपाली माँ भी किया, जयश्री मंडल माँ भी, इधर पुष्पा गुप्ता माँ, तो आपके घर से भी दो लाइन हो जाए, फिर चौरासिया को पकड़ेंगे और उसके बाद धनराज दा करेंगे और हम लोग वहाँ समापन करेंगे। कुछ भी दो सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, उन्हीं दयाल का चरण पकड़, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना मेरे मन जगत के बिना, सुनो रे भाई मेरे माली जगत के बिना। बस जय गुरु। बहुत सुंदर गोविंदा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अभी अभी नेक्स्ट दादा किसका टर्न है, आप पूछिएगा, मेरा उतना ही था। बहुत अच्छा, ठीक है, नीरू माँ कुछ सुना रही है आप लोग को। हाँ, उसके बाद सुनंदन बनर्जी। सुनाइए माँ, नीरू माँ जी। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु माँ। शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु मुझको भुलाना, शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु मुझको भुलाना, तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, देख कर दोस्त को मेरे, देख कर दोस्त को मेरे, नजर मुझसे हटाना, देख कर दोस्त को मेरे, नजर मुझसे हटाना ना, शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु मुझको भुलाना ना, शरण में आ पड़ा तेरे प्रभु मुझको भुलाना ना। जय गुरु दादा। जय गुरु। देखिए धनराज दा अभी तैयार बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों चूक जाऊं आज के सुंदर से दिन में, तो मैं भी सोचा कि उनसे पहले मैं धनराज दा आपका साउंड, धनराज दा से पहले मैं ही दो लाइन गुनगुना दूं। आपकी आवाज नहीं आ रहा है धनराज दा। दादा जय गुरु। आपने जैसा नाम घोषणा किए थे ना, मेरा मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया, फिर मैंने वाइफ का मोबाइल से कनेक्शन किया हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ, भाभी जी का नाम भी आ गया है, तो हमें पता भी लग गया कि भाभी जी का नाम क्या है। आइए आपसे पहले मैं गुनगुना लेता हूं, क्योंकि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। अच्छा, तो अच्छा, हमारे अच्छा। सुरेंद्र भवानी दा ट्रेन छूटने के बाद बोलते हैं, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, हे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, जो मेरी प्रीतम की सेवा धारे, वही दिन दिन जागे रे, वही दिन दिन जागे रे, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बहुत सुंदर आ रहा है।
इतना सुंदर आवाज आ रहा है, बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रहा। जो मेरी प्रीतम की महिमा गावे, जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, अही अधक सुनारे रे, ए मोहे अधिक सुहाने रे, जो मेरे प्रीतम की रूप निहारे, जो मेरे प्रीतम की रूप निहारे, वही छबिता के रे, वही छबिता के रे, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। आगे धनराय भट्टारीदा हमारे और शांति माँ दोनों मिलके करेंगे, मजा आएगा। शांति माँ तो सो गई है, नेपाल है ना? हाँ, नेपाल में 12 बज रहा होगा। सुंदर भट्टारीदा आज चौरासी दास सुनेंगे ना, कल से फिर मेरे को बोलेंगे धनराज दा हमको आता ही नहीं है, कोई जो आता है वो फंसा रहे हैं आपको। हाँ, पुरुषोत्तम की करूं वंदना, पुरुषोत्तम को करूं नमन करूं, जन्म जन्म करूं वंदना, जन्म जन्म नमन करूं, आदि अनादि पुरुषोत्तम प्रभु सत सत तुमको नमन करूं, हे सुख रंजन हे दुख भंजन सादर तुमको नमन करूं, सादर तुमको नमन करूं, अखिल लोक के पालन हारे कोटि कोटि नमन करूं, कोटि कोटि नमन करूं, कण कण में प्रभु छबि तुम्हारी, प्राणों से मैं नमन करूं, प्राणों से मैं नमन करूं। जय गुरु। भवानी पूजा ज्यादा सामने में भजन गाऊं? हेलो हेलो, क्या बोले दादा? हां सुनंदन, हेलो शर्म लग रहा है, बोले बहुत अच्छा लगा। अच्छा भटाई दा, बहुत कर रहे दादा, सुनंदन कुछ कर रहा है। हां करिए जल्दी, सुनंदन जी कुछ कर रहे हैं। यशो पतितो पावन गुरु गो भक्ति मुक्ति करे, यशो गो गुरु बसो गो गुरु ठाको हृदय परे, यशो गो गुरु बसो गो गुरु ठाको हृदय परे, তোমার অজ্ঞান আধার ঘুচায় দাও গো, জ্ঞানাঞ্জন করো দান, তোমার প্রেম পুলকে ভাসাও হৃদয়ে, নাচিয়া উঠুক প্রাণ, তুমি জ্যোতির্ময় রূপে হাসো গো হৃদয়ে আকাশ। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है। तारकेश्वर दा आपका हम लोगों ने देखा चेहरा, कुछ आप भी एक दो लाइन गुनगुनाएंगे? जी दादा जी, प्लीज। प्रयास कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से सीखने का कोशिश कर रहे हैं, आता तो नहीं है फिर भी। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता इनमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता इनमें तेरा बेड़ा पार है। भव सागर में एक दिन तेरी, भव सागर में एक दिन तेरी, जीवन नैया डोलेगी,
खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी, जाएगा उस पार तू कैसे, जाएगा उस पार तो कैसे, हर तरफ मझधार है, देख लगा कर गोता इनमें तेरा बेड़ा पार है, सागर से भी गहरा बंदे, सागर से भी गहरा बंदे, गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता इनमें तेरा बेड़ा पार है। जय गुरु। दो लाइन ही रखना था इसलिए पूरा नहीं किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोगों को तो गाना नहीं आता है, लेकिन क्या हुआ है, पहले दिन से सत्संग के बाद हम लोग ऐसे आधा घंटा 40 मिनट 20 मिनट ठाकुर जी का लेके ऐसे, इसको बंगला में अड्डा बोलते हैं, तो हम लोग थोड़ा ऐसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मन की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, समय अच्छा निकल जाता है, तब तक भोजन भी तैयार हो जाता है, भोजन लेके सो जाते हैं। तो आप सबसे आज विदा लेते हैं, ठाकुर जी का जन्मदिन हम लोग धूमधाम से मनाएं, उनको याद करते करते कि हे प्रभु तुम दया करो। देखिए हम लोग कितना आशावादी है, हम लोग इसलिए सोते हैं कल सुबह उठेंगे और फिर से उनका गुणगान गाएंगे। और कल फिर मिलते हैं, कल भादो महीने का आखिरी दिन है, हम लोग कल भी झूमते हुए नाचते हुए ठाकुर जी का भादो महीना जन्मदिन मनाएंगे। हाँ गोविंदा कुछ बोल रहे हैं? नहीं एकदम, मैं भी जय गुरु बोल रहा हूँ। ठीक है कल फिर मिलेंगे। हाँ गोविंदा, मैं आप वो फोन करिए, वो वाला काम कर लिया जाए अभी अभी। नहीं ठीक है दादा, कॉल करेंगे अभी फुर्सत है, कल का तो शेड्यूल आ गया है तो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कल का शेड्यूल आ गया है। कल मतलब जो नेपाल के एक अच्छे पॉलिटिशियन है, यूथ पॉलिटिशियन भी है वो, ठाकुर जी के दीक्षित है। और जो जो एक बार श्री दादा के वहाँ देवघर दर्शन भी किए थे, मेरे साथ गए थे, तो मतलब दादाजी दादा उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा आशीर्वाद किए, उनके हिसाब से वो चलते चलने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति तो कल जुड़ेंगे, तो हमने उनके लिए थोड़ा समय निकाला है। और जो मंदिर का लास्ट समापन ही होगा, तो उसके लिए और एक इष्ट प्रसंग किसी और को रख दिया है। फिर हम लोग परसों से 7:15 आपके टाइम वहाँ का लखनऊ का 7:15 होगा शायद, 7:15 से 8:15 तक एक घंटा मतलब रात को हम लोग करेंगे। अभी जो 4 बजे कर रहे थे, अभी बहुत बिजी हो गए लोग, अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं दिन को, तो मतलब रात का जो टाइम है तो वह उसी में होगा। फिर वहाँ भी आप लोगों से आप लोगों को निमंत्रण किया जाएगा। फिर 8:15 के बाद तो लखनऊ आना ही है। ठीक है ठीक है। जय गुरु सभी को, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, मेरा हार्दिक जय गुरु, जय गुरु सभी को, ठाकुर जी का जन्मदिन के बधाई है, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।